अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम कर रहा है। आज का वेलकम फिर डेरे से हो रहा है, गांव में हैं, गांव की जिंदगी जी रहे हैं, गांव की जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, सुकून में हैं, ना कोई चिक चिक, ना कुछ और, ना शहर की भाग दौड़, सब कुछ सुकून से उठते हैं, अच्छी फिजा में बैठते हैं, धूप सेकते हैं, अभी डेरे में बैठे हुए हैं। आजकल इलेक्शन से अगला दिन है आज, तो बस इलेक्शन की बातें चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है। अल्लाह बस उस पार्टी को जिताए जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, और इस मुल्क में थोड़ा सा कोई स्टेबिलिटी आए, कुछ बेहतर हों हालात, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। आज जुमे का दिन है, नहा धोकर तैयार हो गया हूँ, अभी जुमा पढ़ने जाऊँगा अपने गांव वाली मस्जिद में, जो हमारी असल चक वाली मस्जिद है वहाँ पे, और जुमा पढ़ के फिर उसके बाद कोई गांव से रिलेटेड कुछ काम है, जिम्मेदारी से रिलेटेड वहाँ जाएंगे, वो भी आपको दिखाऊँगा। आज का दिन कैसा गुजरता आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल ग्रो करें, ताकि आज एक खुशी की खबर यह है कि हमारे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरह एक एक दो दो करके हम बढ़ते जाएंगे और अल्लाह हमें कामयाब करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अभी जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, जुमा पढ़ कर फिर आपसे मैं मिलता हूँ। तो भाई लोग, हम जुमा पढ़कर आए खड़े हैं अपनी फसलों में। ये गंदम की फसल लगी हुई है, ये सारी इसका देखें सिट्टा निकल आया है, और इसको लगे हुए अभी 60 दिन हो चुके हैं। सामने जो है मकई लग रही है, मकई के चोपे जो है, ये लेबर आई हुई है, मकई के चोपे लगा रहे हैं, और वो सामने फाड़ पे मकई पड़ी हुई है निकलने वाली। मकई का जो हम बीज बीज रहे हैं वो है डेकाल्ब कंपनी का, DK7024 उसका नाम है। ये सामने खेले निकली हुई हैं, उस पर चोपों के ज़रिए जो है ना चोपे लग रहे हैं, और मकई का बीज जो है वो लगा रही है लेबर। बाकी ये सारी गंदम है, वो ये बाद में लगी हुई है, वो पहले की लगी हुई है, उसका सिट्टा शिट्टा निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो फाड़ पे मकई वैसी पड़ी है, छलियाँ जो हैं कवर से निकाल ली हैं। अभी इसको शेलर करेंगे, फिर इसको देखेंगे, रेट बेहतर होता है तो फिर सेल करेंगे। जमीनों शमीनों से काम शाम निपटा के फ्री होके निकल के पहुंचे खड़े हैं चिश्तियां शहर में। ये है जी चिश्तियां शहर की मेन एंट्रेंस, और चिश्तियां शहर की छोटी सी हिस्ट्री ये है कि ये एक बहुत पुराना शहर है, और पुरानी चिश्तियां, और इधर बड़े मज़ार शजार भी हैं, और बड़ा मशहूर है यहाँ के बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पे जो हैं उनकी यहाँ पे मज़ार हैं, वो भी आपको किसी दिन विज़िट कराएंगे। और ये हमारे घर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है, तो चिश्तियां शहर में एक छोटा सा काम था वो करने आया हूँ। The next day. आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ था, और फिर द नेक्स्ट डे पे चला गया है। द नेक्स्ट डे पे मैं इसलिए चला गया क्योंकि कल बस ऐसी ना मेरी कोई काम शाम ऐसे थे जहाँ मैं फंसा हुआ था, और उसके बाद ना मेरी हल्का फुल्का ना गला ख़राब हुआ है पहले, फिर हल्का सा फ्लू हुआ है, फिर रात को मुझे बुखार हो गया, फिर मैं दवाई खा के ना सो गया था जल्दी, फिर आज सुबह थोड़ा उठा भी लेट हूँ। अब नाश्ता वगैरह करके बाहर निकला हूँ, एक दो छोटे मोटे काम थे, कुछ मेहमान आ रहे हैं उनको लेना था, और अभी वहीं पे जा रहा हूँ। बस इस वजह से ना मैं कल व्लॉग पूरा नहीं कर सका, और कल वाला व्लॉग आज पे आ गया। आज सुबह जो है उठ के लेट उठाऊँ, पहले तो फिर नाश्ता किया है, नाश्ते में साग बना हुआ था, साग खाया पराठे के साथ, और बस घर पे ही बैठा हुआ था। अब बाहर निकला हूँ, कुछ मेहमान आ रहे हैं उनको लेना है, फिर उनको लेता हूँ, फिर घर जाता हूँ, और आज का दिन जैसे जैसे गुजरता है जो जो होता है वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ। यार कल के व्लॉग में मैं, मतलब कल के दिन में व्लॉग में तो नहीं, व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, मैं रात में आ गया था भावलपुर। भावलपुर में कुछ काम थे एक दो, वो करने थे। अब कल दोबारा वापस जाऊँगा, और
और आज के दिन में मैं भावलपुर पहुंचा हुआ हूँ। और आज मौसम की अपडेट ये है कि आज गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, धूप बड़ी तेज है आज, और ठंड जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे लग रहा है कि ठंड के जो एक दो दिन रह गए हैं ना, मतलब दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो जैकेट मैंने ऐसी पहनी हुई है क्योंकि मुझे हल्की फुल्की लग रही थी, लेकिन आज ठंड है नहीं। और अभी जो गाड़ी टेम्परेचर वो बता रही है वो 22 बता रही है, इसका मतलब है कि ठंड नहीं है। तो ठंड अब जाती हुई नजर आ रही है। ठंड वाले दिन बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इस दफा ठंड बड़ी शदीद थी। तो अल्लाह करे कि गर्मी शदीद ना आए, हल्की फुल्की रहे, ठंड बड़ी शदीद है। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आजकल जो हॉट टॉपिक है ना वो है पाकिस्तान में इलेक्शंस का। इलेक्शंस बड़े अजीबो गरीब से इलेक्शंस हर दफा पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इस दफा तो बहुत ही अजीबो गरीब है। जीत कोई रहा होता है, फिर वो हार जाता है, फिर वो जीत जाता है, फिर वो हार जाता है, फिर दोबारा से जीत जाता है। तो अभी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बस जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार अल्लाह करे वही पार्टी जीते जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, उसी पार्टी की गवर्नमेंट बने जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस अवाम के लिए बेहतर है, और मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आए, कोई बेहतरी आए। हम सबकी दुआ यही है। अपनी अपनी पसंद को साइड पे रख कर ना आप लोगों को इस टाइम मुल्क का सोचना चाहिए। और मुल्क का सोचने के लिए मैं यही कहूंगा कि यार अल्लाह करे वही पार्टी जीते जो मुल्क के लिए बेहतर है और उसी की गवर्नमेंट बने। बाकी जो चीजें हैं ना, हर बंदे की अपनी पसंद होती है। किसी पे आप कह नहीं सकते किसी को कि यार ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हमें सोचनी चाहिए। तो अभी इलेक्शंस का आज तीसरा दिन है और आज भी कुछ एज सच पक्की खबर नहीं है कि कौन गवर्नमेंट बना रहा है या क्या होने जा रहा है। तो मुल्क हमारा जो है पहले ही स्टेबल नहीं है इस टाइम। बड़े मुल्क के हालात बहुत डाउन है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में बेहतरी आए, हमारे मुल्क में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए, कुछ बेहतरी हालात बेहतर हों, कोई इकोनॉमी बेहतर हो, कोई लोगों के कारोबार चलें। इस टाइम बाकी लोग बहुत परेशान हैं। गांव में रहा हूँ मैं 2-3 दिन, तो उधर तो हर बंदा जो है ना वो यही बात करता है कि कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, और कुछ ये भी समझ नहीं आ रही कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है। तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। इस टाइम मैं लाइब्रेरी रोड पे हूँ, ये वही रोड है। अब ये सड़कें मुझे रास्ते ज़्यादा इसलिए याद रहते हैं जब से मैंने वो व्लॉग किया है कि पैदल चलने वाला, तब से मुझे ये रास्ते बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। और बड़ा याद आता है मुझे वो वाला व्लॉग कि मैं यहाँ से पैदल होके गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे, आगे पहुँच कर आपसे मिलता हूँ। मैं पहुँचा हूँ KFC पे, यहाँ से कॉफ़ी लेने का मेरा मूड है, कॉफ़ी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KFC बहावलपुर। वालेकुम सलाम, एक लाटे कर दें सर, इसके अलावा बस जी, नेक्स्ट मिनट अवेयर करें। तो यहाँ से कॉफी ले रहे हैं, कॉफी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो यार कॉफी मैंने ले ली है। कॉफी लेने का मेन मकसद ये है कि हल्का फुल्का ना गले में दर्द है तो उसके लिए बेहतर है, थोड़ी सी कॉफी शॉफी पीते हैं, थोड़ा गला बेहतर करते हैं। वरना गर्मी तो आज इतनी शदीद हुई खड़ी है कि कॉफी पीने का बिल्कुल भी मूड क्या, दिल भी नहीं कर सकता किसी का। इसीलिए कॉफी ली है कि गला कुछ बेहतर हो जाएगा। A few moments later. आहा, चिकन कढ़ाई, रेशमी कबाब, अफगानी पुलाव और सलीम साहब हमारे मेहमान आज के। अभी हम आए हुए हैं एक जगह पे खाना खाने और ये हट है, हट वाला माहौल आपको दिखाते हैं। और अभी रोटी शोटी खा रहे हैं, रोटी खा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो यार हम आ गए थे रेस्टोरेंट पे खाना खाने। एक वीडियो आपने खाने की छोटी सी देखी होगी और मैंने कहा आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये इस जगह का नाम है सराय रोही और ये भावलपुर से 8-10 किलोमीटर बाहर निकल के बड़ी खूबसूरत सी एक जगह है। ये सामने हट्स बने हुए हैं, हट्स में बैठकर भी आप खाना खा सकते हैं और ये बाहर लॉन में भी टेबल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठकर भी आप खाना खा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा सेटअप है। ये सामने वॉशरूम है, इस साइड पे भी हट्स हैं और ये इसकी वहाँ से इसकी पार्किंग से मेन एंट्रेंस है। तो अभी खाना शाना खाया है, कढ़ाई खाई है, साथ काबुली पुलाव खाए हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना था और बड़ा खूबसूरत व्यू के साथ, हट में सुकून के साथ बैठ के। ये देखें जी, ये कुआं बना हुआ है एक,
क्या बात है, बड़ी मज़ेदार रोटी है यार यहाँ की। भावलपुर वाले जो लोग आए हुए हैं इधर और जो भावलपुर आना चाहते हैं वो लाजमी विज़िट करें, सराय रोही इसका नाम है। तो यार ये इनका लाइव किचन है, आप बाहर से खड़े होके देख सकते हैं अंदर क्या बन रहा है। आगे तंदूर और वो बारबेक्यू वाला सेटअप है, ये बुचर का बोर्ड लगा हुआ है, वो कढ़ाई स्पॉट का लगा हुआ है, आगे बारबेक्यू स्पॉट का कॉर्नर पर लगा हुआ है। और ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है मेन किचन, और ये लाइव किचन आप यहाँ से देख सकते हैं। यार रोटी शोटी खा कर मैं आ गया हूँ घर, और अभी खा रहा हूँ ये कैंडी बिस्किट। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।